राइट यो क्या मामला है पूरा मामला मामला जो ये डीकेएसएल साड़ी बनाई वीडियो केंद्र के नाम से कोई आदमी आया था बाहर का आदमी इन्होंने कहा मैं महिलाओं को गृह उद्योग और सब रोजगार देना चाहता हूँ इस हिसाब से इन्होंने अपनी ब्रांच डाली थी और एक मिशन के नाम पे महिलाओं से 2100 रुपये 5100 1100 रुपये लेते सबसे और सबको यही बोला आपको काम भी मिलेगा और ये जो पैसा लिया ये रिफंडेबल होगा सब लेकिन ये बात होती रही और इन्होंने गुमराह करते रहे और उसके बाद में जब उनको 1.5-2 महीना हो गया सबको काम करते हुए वहाँ और जब सैलरी देने की बात आई तो वो भग गए यहाँ से और कौन सी चीज़ बताता है उनका क्या मामला जी मेरा नाम शबाना है यहाँ इसलिए आना पड़ा हमारे साथ ठगी हुई है हमने हमारा महिला मतलब जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको रोजगार खोलने के लिए एक संस्था आई थी तो वो संस्था ऐसी थी कि हम सबके पैसे लेके भाग गई और एक ही नहीं सारी महिलाएं इसीलिए आई हैं कि हमें ऐसे जब संस्था आया तो वो ना ऐसे ठगी वाला काम नहीं हो और ना उसकी आगे कार्रवाई हो और हमारा जो पैसा गया है वो वापस हमें मिले क्या नाम था संस्था का मैंने 25 महिलाओं की जमा कराए थे और सिलाई मशीन के कराए थे 1,26,500 वो मेरे पास रसीद भी है उसकी बिल है सब उसका सब जो जो उनने नंबर दिए थे सब है हमारे पास लेकिन उसके अलावा उनने कहा कि हमें 25 तारीख को सारे पैसे वापस दे देगा 25 तारीख से वो गायब है अभी तक उसका कोई नाम निशान नहीं है जिसको फ़ोन करते हैं रामलाल जी नाम से है उनको फ़ोन करते हैं वो बोलते हैं कि वो आएंगे सर दो चार दिन में आएंगे यही बार बार रामलाल जी अरे बताओ सफा क्या है ना जितने भी जो भी होता है